हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं माइकल की पास्ट लाइफ सीरीज। मुझे पता है गाइस, बहुत 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 ज्यादा टाइम हो चुका है भाई, पूरे के पूरे 5 महीने निकल चुके हैं भाई। इस वीडियो को तो भूल ही गए हैं तुम लोग, यही सोच रहे होगे ना भाई सब कुछ। मैं तो मैंने गाइस एक छोटा सा चीज बता देता हूँ, एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या था गाइस। मेरा ना एक बार चैनल हैक हो गया था, ये वाला, ठीक है। तो भाई मेरा जब चैनल हैक हुआ ना, उसके बाद कुछ भाई ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई थी कि भाई बिल्कुल ही चैनल पे व्यूज आने बंद हो गए थे। और मैं नहीं चाहता था कि भाई मेरी इतनी ज्यादा मेहनत की हुई वीडियो जो, क्योंकि देखो यार, पास लाइफ में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। तो भाई इतनी मेहनत की हुई वीडियो मैं डालूं और आप लोग तक पहुंचे ना। अभी उसके बाद गाइस हमने छोटे छोटे शॉर्ट्स वगैरह डाल के उसके बाद चैनल को भाई हम रनिंग पे लेके आ चुके हैं। तो भाई मैं रेडी हूँ वीडियो डालने के लिए। अब ना भाई, तुम लोगों को महीने में 2 से 3 वीडियो पक्का देखने को मिलेगी। बस आप लोगों को भाई जो लाइक टारगेट है ना, उसको कंप्लीट करवाना है। तो लाइक टारगेट है अपना भाई इस वीडियो पे हमेशा जो रहता है 8000 लाइक्स का एंड 2000 कमेंट का। भाई इसको कंप्लीट करवाया करो, फटाफट से वीडियोस आने वाली है। तो अगर गाइस आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी तो आप लोगों को पता होगा कि डगन नाम का बंदा आया जो कि बहुत गरीब था, कुछ खुद भीख मांगता था। और भाई मेरे को बोल रहा है कि अब टाइम आ चुका है तेरा खुद का अमीर होने का। एंड उसके बाद ना गाइस, एक अमेंडा नाम की लड़की थी भाई, उसको ना कुछ गुंडे वुंडे छोड़ रहे थे। मैंने भाई साहब उनके घर ही ढंग से धुलाई, उनको बहुत गंदा पीटा। एंड उसके बाद गाइस मैं मिलने गया अपने मॉम डैड से, मैं मॉम डैड से भी मिला, बट उन लोगों ने भाई साहब मुझे मिलने के लिए ही मना कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि भाई हमारी जिंदगी में दोबारा घुसने की जरूरत भी नहीं है, निकल जाए यहाँ से। उसके बाद गाइस हमें डगन बॉस ने दिया अपना पहला काम ये था कि घर में से जाके इंडियन कार चुरानी है। तो भाई हम उस घर में गए, बहुत ज्यादा गंदी तरह से लड़ाई वड़ाई हुई एंड वहां से भाई साहब हम इंडियन कार लेके भाग गए। उसके बाद भाई इसी खुशी में ना डगन बॉस हमसे इतना खुश हुआ, उसने पैसे दिए कि तुम जाके ना भाई अपने लिए एक बढ़िया सी बाइक ले लो। एंड उसके बाद ना अगला काम उसने दिया कि भाई बोट में जाना है, एक ट्रेन में से ना एक बहुत तगड़ा स्टैचू लेके कोई बंदा भाग रहा है, वो स्टैचू हमें भाई चुराना है। तो मैं गया बोट से एंड हमने ट्रेवर भैया को भेज दिया भाई ट्रेन से। एंड ट्रेवर भैया भाई सीधा घुसे अपना ट्रेन के अंदर, घुसने के बाद भाई बंदे को मारा, ट्रेन को हाईजैक कर लिया एंड ट्रेन को कर लिया अपने कंट्रोल में। बट वहां पे एक प्रॉब्लम हो गई भाई, ट्रेन जो है उसका एक्सीडेंट होने ही वाला था। और भाई उधर से भाई मैं आ गया भाई अपना नीचे से ड्राइवर को बचाने के लिए। हमने ड्राइवर को बचाया भाई साहब, उसके बाद कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स आए, उनको हमने मारा एंड देन हम उधर से निकल ही गए भाई। बट उन बंदों ने भाई कर दी हमारी पुलिस को कंप्लेंट। और भाई साहब हमारे सामने कितनी पुलिस, देखो भाई तुम्हारे सामने कितनी पुलिस। और इन्होंने बोल दिया कि भाई तुम्हारा होने वाला अब सीधा एनकाउंटर। मैं आप लोगों को ना भाई एक ब्रीफली ना पहले ढंग से बता देता हूँ भाई ये पास्ट लाइफ सीरीज आखिरकार है क्या, क्योंकि भाई 5 महीने से बहुत लोग भूल गए होंगे और बहुत लोग नए से देख रहे होंगे। तो भाई ये वो टाइम है जब भाई साहब माइकल अपना पूरा यंग हुआ करता था। और माइकल ने ना भाई अपनी फैमिली को छोड़ रखा था, मॉम डैड को छोड़ रखा था, उन्होंने माइकल को भाई घर से निकाल रखा था। एक्चुअली सीन ऐसे हुआ था, माइकल पढ़ना नहीं चाहता था एंड घर वाले उसको फोर्स कर रहे थे। उसके बाद भाई इसने रातों रात अपना सब कुछ भाई वहां से मतलब छोड़ वोड़ के ना भाग गया। एक वीडियो गाइस ऐसी भी आई थी जिसपे मैंने माइकल के मॉम डैड को भी मिलवाया था, बट उन्होंने भाई एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दिया था। तो उन्होंने भाई मुझे घर से निकाल दिया था। एंड देन उसके बाद क्या हुआ कि भाई फिर मैंने ना भाई एक, मैं अकेला था बिल्कुल ही, तो भाई मुझे थोड़ी जॉब्स करी, मैंने थोड़े मोटे काम धंधे करे, थोड़ा मोटा पैसा कमाया और वो पैसा खत्म हो गया। फिर मैंने डायमंड कैसीनो में भाई साहब वेटर की जॉब करी, वो मैडम ने भी भाई मुझे निकाल दिया वहां से, जो मैनेजर है सीईओ की मैनेजर है उसने मुझे काम से निकाल दिया। एंड देन भाई मेरे पास कोई आसरा नहीं था। फिर लास्ट वीडियो में भाई साहब हमें मिलता है डगन बॉस। तो भाई साहब डगन बॉस ने मेरा संभाला है। और मुझे गाइस पता क्यों भाई, मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत बहुत टाइम पहले ना भाई डगन बॉस खुद, वो मतलब उसका नाम डगन था, बॉस तो भाई साहब पैसा आने के बाद बना है। तो भाई वो खुद भाई साहब पहले तो मतलब जो टैक्सी स्टैंड था ना वहाँ पे टैक्सी साफ किया करता था एंड देन उसके बाद डायमंड कैसीनो के बाहर खड़ा होकर भीख मांगा करता था। तो भाई वो आज वो टाइम है, भैंड की आंख नीचे सिक्योरिटी, घर का बंगलो और भाई साहब एक रॉल्स रॉयस की कार रखता है बंदा। तो भाई मेरे को वो मिला, उसने मुझे बताया कि भाई तुम भी ऐसे मतलब थोड़ा हार्ड वर्क वाले बंदे लगते हो, तो भैया मैं भी तुम्हें अमीर करता हूँ। बट मुझे बाद में पता चला कि भाई जो मैं काम से शुरू से भागता आ रहा हूँ ना कि मुझे बुरे काम नहीं करने हैं, तो डगन उसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। लास्ट वीडियो में गाइस उसने भाई साहब एक घर से मुझसे इंडियन कार्स चोरी करवाई, 2 इंडियन कार्स, वो मैंने भाई उसको ला के दी। उसके बदले उसने मुझे कुछ थोड़ा पैसा दिया। फिर उसके बाद उसने बोला कि मैं तुम्हें भाई $1,000,000 दूंगा जिससे तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाओगे एंड जो मेरा सपना है भाई, आप लोगों को पता है लॉस सेंटोस में एक घर है जो मैंने आपको बहुत बार दिखाया है कि भाई मेरा एक सपना है कि वो मुझे घर लेना है। दूसरा भाई साहब एक अमेंडा नाम की लड़की है जिससे भाई साहब अपने माइकल को हो रखा है पूरा फुल प्यार, ठीक है, तो भाई उससे शादी करनी है एंड वही चीज़ें हैं। उसके बाद भाई बच्चे वही सीन जैसे
तुम लोग भाई अपनी मेन सीरीज में देखते आ रहे हो। तो ये सब था भाई, ये सब चीज़ें चलती आ रही हैं। एंड अब ठीक है भाई, अब लास्ट टाइम क्या हुआ गाइस, टग्गर ने भाई साहब हमें ये लेने के लिए भेजा सूटकेस, एक ट्रेन में से हमने सूटकेस चुराया एंड देन भाई साहब पुलिस ने हमें यहाँ पे घेर लिया। और इसके अंदर ना भाई गोल्ड स्टैचू है भाई, जो हमें टगन को दा के देना है एंड टगन इसके बदले हमें बहुत अच्छी रकम देने वाला है। बस यहाँ पे मैं फंस चुका हूँ। अरे ये पुलिस वाले बोल रहे हैं भाई तुम्हारा सीधा इनकाउंटर होने वाला है। क्या आप भी क्रिकेटर फैन हैं और हमारे क्रिकेटर के बारे में थोड़ा बहुत ही जानते हो तो आप बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट मिस कर रहे हो। आज मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया टास्क और इसे विन एक्सचेंज पे विन लूट चैलेंज कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस बारे में है। ये गेम सिंपल क्रिकेट क्वेश्चंस का सही आंसर अनुमान लगाने के बारे में है। यदि आप प्रश्नों का सही उत्तर देते हो तो आपको कुछ सरप्राइज रिवॉर्ड जीतने का मौका मिल सकता है। तो आप किस बात का वेट कर रहे हो? डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करो, खेलना शुरू करो। इतना ही नहीं, अपने दोस्तों को शेयर और 300 रुपए का रेफरल बोनस भी पाओ। चलो अब खेलते हैं गाइस। अब मुझे तो भैया ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा आखिरकार हमें बचाएगा कौन। और मैं डगन को फोन करने लायक भी नहीं हूँ क्योंकि भाई ये लोग मुझे फोन निकालने तक नहीं दे रहे। मैं इनको बोला कि भैया मुझे फोन तो निकालने दो, मुझे कम से कम अपने भाई से बात करने दो। भाई अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें कौन बचाएगा और ये डगन को फोन करने तक नहीं दे रहे हैं। भाई मैं क्या करूं यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बाकी ठीक है, मैंने इनको बोल भी दिया कि सर कम से कम मुझे फोन करने दो और मुझे किसी को कुछ बताने दो। एक जीव है ना ये भाई, डगन बोस आया है। वेट गाइस एक मिनट यार, ये डगन बोस कुछ सोच रहा है भाई। एक मिनट, वो छुप के कुछ देख रहा है। एक मिनट, और किसी पुलिस वाले को पता ही नहीं है कि वो मेन हमारा बॉस है, मतलब डगन बोस हमारा बॉस है भाई। उनको पता ही नहीं है पुलिस वालों को। बाकी ठीक है, वेट 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 वेट। ओके गाइस यहां पे हो चुके हैं बहुत ज्यादा गंदा चीज भाई साहब। भाई जैसे डगन बोस ने वहां पे अटैक करा ना, उसके बाद तो भाई साहब ये सारे एक्टिव हो चुके हैं भाई। अपना ट्रेवर भैया भी एक्टिव हो चुका है यहाँ पे। चलो ठीक है भाई, ट्रेवर भाई ने वहां पे खड़े होके गोलियां गोली बरसाने की शुरू कर दिया। इधर मैं भी भाई साहब छुप के ना इनके अंधाधुंध फायर करता हूँ। ओके ओके गाइस, चलो ठीक है भाई, यहाँ पे ना ढक्कन बोस ने हमें बचा तो लिया है भाई। और मैंने सूटकेस जो है ना वो गाड़ी के अंदर ना भाई फटाफट से ला के रख दिया था। चलो ठीक है भाई, चलो डन है भाई। ये सारी गाड़ियां बस कैसे चलाए यार, हमारे पास तो ना गन है ना कुछ आरपीजी वगैरह कुछ भी नहीं है यार। ढक्कन बोस के पास शायद होगी। और भाई डगन बोस एक काम करो, बाकी भाई ट्रेवर देखो भाई बिल्कुल ही सामने जाके पुलिस वालों को पूरा गंदे तरीके से मार के आया भाई बंदा। ऑल डन यार। ओके 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 गाइस, यहाँ पे भाई साहब मैं ना भाई पूरा फुल फायर पे फायर कर रहा हूँ। बट एक सेकंड भाई, ये डगन बोस ने आरपीजी निकाल के सारी गाड़ियों को, वेट भाई साहब, भाई डगन के नीचे काम करने का ना अलग ही लेवल का मजा है। तुम लोग खुद देखो भाई, तबाही मचा दी है पूरे बंदे ने। ओके भाई ट्रेवर इधर आ जा, भैंस की टांग तेरी। ओके गाइस यहाँ पे भाई साहब हमने जितने बंदे थे उन सबको तो मार दिया। बट एक सेकंड भाई, यहाँ पे पुलिस भी आ चुकी है। वेट भाई भाई भाई, एक मिनट गाइस, ये पुलिस भाई साहब इतनी भाई साहब, अबे डगन भैया कुछ करो यार भाई। यहाँ पे डगन बोस तो वगैरह वैसे तो यार गोलियां वोले बचा रहा है, बट ठीक है मैं ऊपर ना भाई साहब जितने बंदे ना उनको पहले मैं मारता हूँ। एक सेकंड, डगन कहाँ गया? एक मिनट, किसी को फोन कर रहा है डगन? अबे किसको फोन कर रहा है ये? बाकी ठीक है भाई, ट्रेवर अपना लगा पड़ा इधर। चलो ठीक है भाई, इसने ना पता नहीं किसको फोन किया है, पर पता नहीं भाई किसको फोन किया है। बाकी चलो ठीक है भाई, मुझे जो है ना भाई सारे पुलिस वालों को मारना पड़ेगा। और ड्राइवर ने भाई साहब देखो क्या हाल किया। एक मिनट, चल 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 चल, चल भाई साहब एक सेकंड, डगन बोस यहाँ पे ना भाई फायर तो कर रहा है भाई आरपीजी से, बट उस पर भाई साहब निशाना ही नहीं बन रहा क्योंकि भाई साहब वो हेलीकॉप्टर ही साइड कर लेता है। बाकी बन गया भाई, अब बना है डगन बोस का भाई डगन ओपी। एक बार गाइस कमेंट में स्पैम कर दो भाई, ऐसा बॉस होना बंदा क्या ही बोले। गाइस गाइस गाइस, यहाँ पे था भाई हो चुकी है बहुत ज्यादा गंदी फाइट। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा भाई सब, हम निकले तो निकले कैसे, कहाँ जाएं कहाँ नहीं, मुझे तो भैया समझ ही नहीं कुछ आ रहा। गाइस गाइस गाइस, भाई साहब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, डगन ने इतने देर पहले फोन तो करा था, पता नहीं किसको फोन करा था। बाकी भाई साहब यहाँ पे हो चुके हैं बहुत गंदे सीन भाई, मुझे लग रहा है ना भाई डगन बोस हमें ना यहाँ से भागना चाहिए भाई कुछ भी करके, क्योंकि भाई पुलिस जो है ना वो आती जा रही है और हम बचेंगे कैसे, मुझे तो समझ में आ रहा। मुझे तो ऐसे लग रहा है बैंड की आंख भाई, आज तो हमारा डैडी हो जाएगा काम। अरे वेट गाइस, ये सामने कौन खड़े हैं भाई? एक सेकेंड, अब ये इतने सारे बंदे कहाँ से आ गए, कौन है ये? अरे भैया कौन हो तुम लोग? अबे ये कह रहे हम डगन बॉस की सिक्योरिटी है और अभी अभी हमने गाड़ियां लेके यहाँ पे आए थे। बाकी भाई सब, अबे भाई हमारी देखो तो सही कितनी बड़ी गैंग हो चुकी है भाई। डगन बॉस खुद आया पहले मुझे बचाने के लिए,
अब आया डगन बॉस की सिक्योरिटी, साले कहां ले जाएगा भाई इस हेलीकॉप्टर को, चल नीचे उतार हेरी बैंड की आग, चलो भाई ब्लास्ट भैंस की। डगन बॉस पहले तो खुद आया, उसके बाद अपनी सिक्योरिटी को हमारे लिए भेजा भाई। गाइस मुझे डगन बॉस बोल रहा है ना, माइकल देख पुलिस वालों से लड़ लेंगे अपने आप मेरे सिक्योरिटी वाले, हम ना यहाँ से निकलते हैं भाई। निकलना तो मुझे सही लग रहा है कि मुझे निकलना, हमें निकलना पड़ेगा, बट एक सेकंड यार डगन बॉस भाई, मैं ड्राइवर को तो बुला लूं। चलो ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ वैसे गाड़ी के अंदर। बाकी डगन बॉस कह रहा है भाई माइकल तू चला गाड़ी, मैं ड्राइवर को बुला लूं यार पहले तो। यार भाई तुम लोग लड़ते रहो यार आपस में, डगन अबे ड्राइवर जल्दी बैठ भाई, क्या कर रहे हैं भाई, इधर पुलिस और भी आती होगी, तू जल्दी जल्दी बैठ। और गाइस मुझे ना ये गाड़ी को लेकर डगन बॉस के घर पे जाना पड़ेगा भाई। चलो ठीक है यार, हम ना सही टाइम पे भाई वहाँ से निकल चुके हैं, और भाई वहाँ पे चल रही है लड़ाई पूरे फुल डगन बॉस की सिक्योरिटी की एंड पुलिस की। बाकी ठीक है भाई, मैं तो गाड़ी यहाँ से ले जाता हूँ भाई, डगन बॉस अगर ना आया होता टाइम पे तो भैया हमारा क्या हाल होता, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बाकी ठीक है, मैंने वो जो ब्रीफ केस है ना वो गाड़ी के अंदर रख दिया था। बाकी ड्राइवर अपना पीछे बैठ चुका है बिल्कुल सही तरीके से, एंड भाई आगे अपना वो बैठा है डगन बॉस सर, मैं भाई अपने घर पे अभी। गाइस मैं बताता हूँ तुम्हें, बाकी मैं तुम लोगों को एक और चीज़ बताया, तो जो फ्रैंकलिन है ना गाइस, वो है भाई बहुत बड़ा गैंगस्टर, ठीक है, वो अपने एरिया का बहुत बड़ा गैंगस्टर है, और उसके सामने ना भाई सारे बंदे सारी गैंग्स झुक के रहते हैं, ठीक है। एंड उसके साथ ना भाई एक और बंदा है जिसका नाम है लमार, ठीक है भाई, वो दोनों उनकी आपस में दोस्ती है और अपने साथ रहते हैं गाइस। एक तो ड्राइवर भैया, एक है अपने ब्रैड भैया, एक हूँ मैं भाई माइकल, ठीक है, हम तीनों रहते हैं। और भाई ड्राइवर का मैं तुम लोगों को बताया, तो ड्राइवर के साथ ना गाइस मुझे नहीं समझ में आ रहा मेरा क्या कनेक्शन था, ठीक है। जब भी मैं ड्राइवर को देखता था ना गलियों में भीख मांगता हुआ, मैं इसको बहुत सारे पैसे दे के जाता था। और एक दिन ना मेरा मन किया भाई, मैं पूरे घर में अकेला रहता हूँ, मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं रहती, तो भाई क्यों ना मैं ड्राइवर को ही अपने साथ भाई बना के अपने घर पर रख लूँ। फिर मैंने ड्राइवर को रखा, ड्राइवर ने एक और फ्रेंड बनाया जिसका नाम है ब्रैड, तो ब्रैड को भाई सब हमने घर पे रखा हुआ है। तो अभी गाइस हमारे पास ना ही खाने पीने के किसी चीज़ के पैसे नहीं थे, इसीलिए तो भाई हमने मतलब यार ये डगन बॉस की गैंग ज्वाइन करी, नहीं तो भाई मैंने पक्का सोच रखा था कि भाई मैं तो कोई बुरे काम करूंगा ही नहीं, करूंगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अभी भी मैंने यही सोच रखा कि भाई बुरे काम बिल्कुल भी नहीं करूंगा मैं ना। गाइस आप लोगों ने पहले अपना एक ड्रीम हाउस दिखा देता हूँ जो मैं कभी ना कभी जिंदगी में लेने वाला हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भाई, फटाफट से चलते हैं पहले अपना ड्रीम हाउस दिखाने के लिए। ओके गाइस मैं जो है ना भाई डगन बॉस की मतलब ये जी वैगन को लेके आ चुका हूँ डगन बॉस को भाई साहब अपना घर दिखाने, अपना मतलब ड्रीम हाउस दिखाने के लिए। हाँ जाओ भाई डगन भैया यहाँ पे रखो यार, मेरा ना एक ही ड्रीम हाउस है। बाकी ड्राइवर तू तो बैठ रहा है भाई, तेरे को तो बहुत बार घर दिखा रखा है, और वैसे भी भाई ड्राइवर की ना थोड़ी हालत ख़राब है। चलो ठीक है गाइस हम चलते हैं भाई अंदर, है थोड़ा खून लगा हुआ है यार, लोग ना यहाँ के डर ना जाए बस। मुझे लग रहा है ये वाला दरवाज़ा बंद है, इधर से आ जाओ भाई डगन भैया, तुम्हें ना अंदर से दिखा देता हूँ। और ये भाई साहब अपना एक फ्यू मतलब ड्रीम है जिसको ये वाले घर को मुझे लेना है भाई। चलो ठीक है यहाँ से हम घर के अंदर आ चुके हैं भाई साहब, क्या घर है यार, तुम खुद सोचो भाई घर के अंदर पूरा मतलब ग्रीनरी कितनी बढ़िया है। और ये कुछ अंकल आंटी यहाँ पे रहते हैं, अरे भाई साहब आंटी भी सुट्टे मार रही है और अंकल तो मार ही रहा है भाई सुट्टे। अरे अम्मा आपकी इतनी उम्र है आप सुट्टे मार रही हो, बताओ भाई। अरे अंकल जी कैसे हो, मेरा नाम है माइकल डिसेंटा और ये मेरे बॉस हैं जिनका नाम है डगन बॉस। तो डगन बॉस साहब, डगन सर आप ही बात कर लीजिए इनसे यार, कितने का घर दे रहे हैं और क्या, मेरे से जितना बड़ा मर्जी काम करवा लो, बस ये जो ड्रीम हाउस है ना इसको प्लीज दिलवा दो मुझे। ओके गाइस डगन भैया की बात हो चुकी है, एंड अभी ना अंकल बोल रहे हैं कि हाँ हमें भी घर बेचना है और हमें घर बेच के ना ये लिबर्टी सिटी निकलना है। तो हम भी भाई जल्दी जल्दी में बेचने लगे पड़े हैं, बट इसका प्राइस ये मांग रहे हैं भाई $40 मिलियन। तो मुझे पता है अभी आप लोग सोच रहे हो भाई बहुत सस्ता है, गाइस ये टाइम भी बहुत पुराना है, ठीक है ये 19th का टाइम है। तो ये भाई जब हमारी रियल लाइफ, जब हमारा जो आज की सीरीज चल रही है वो चल रही है 2024 में, अब यही घर ना भाई 400 से $500 मिलियन का हो जाएगा उस टाइम तक। तो अभी तो भाई ये $40 मिलियन आज की डेट में बहुत बहुत ज़्यादा है। तुम सोचोगे भाई ये $1 मिलियन की ये 20 कार आ जाएगी, 20 क्या मुझे लग रहा है 30 कार आ जाएगी, थोड़ी बार्गनिंग भी हो गई, तो आज इतना मतलब प्राइस कम है। तो अम्मा और अंकल बोल रहे हैं कि भाई आप लोग घूमो आराम से घर को देख लो, कोई बात नहीं। गाइस देखो यार जैसे ही हम घर में आएंगे अपने को मिलेगा एक बहुत बढ़िया गैराज, ठीक है। और डगन भैया ये मेरा सपना है भाई, प्लीज़ मेरा यह सपना पूरा करवाना, मुझे ये घर लेना है। और अमेंडा नाम की लड़की जो कि भाई रिच मैन मेंशन की मालकिन है भाई, उसके साथ मुझे शादी करनी है। अभी तो गाइस मैं खुद ही बिखा रही हूँ भाई, मैं तुम्हें क्या ही बोलूँ। ये भाई साहब अपना घर है जिसको मुझे अपना बनाना है, ठीक है ये अपना घर रहेगा, ये अपना किचन रहेगा। और ठीक है भाई डगन भैया
मैं बस बता रहा हूँ भाई, ये मेरा ड्रीम है जो तुम्हें पूरा करवाना है, मेरे साथ जो मर्जी कुछ भी करो मुझे नहीं पता भाई साहब। चलो ठीक है, मैं तो आपको और दिखा देता हूँ गाइस। अगर मेरी बेटी होती है, अगर अपनी माइकल की बेटी होती है, तो भाई उसका हम ना ये वाला रूम रखेंगे, ठीक है। और अगर अपने माइकल का बेटा होता है, या बेटा बेटी दोनों होते हैं भाई, दोनों के लिए अलग अलग रूम रहेंगे। बेटा अपना भाई यहाँ पे बैठा करेगा, ये अम्मा और अंकल का बेटा भाई साहब यहाँ पे बैठ के कितनी गेम्स खेलता हो, क्या लाइफ है भाई अंकल के बेटे की भी, जो कि बेचारा अभी नहीं होगा इस टाइम पे। तो और ये वाला जो रूम होगा भाई, वो हमारा खुद का होगा, मेरा और अमेंडा का, ठीक है। और यहाँ पे हम कपड़े वपड़े चेंज किया करेंगे भाई साहब। ये अपना, ये देखो अम्मा और अंकल की ना भाई साहब, ये देखो, ये सामने देख पा रहे हो गाइस आप, गाइस इधर आप फोटो देख पा रहे हो, ये अम्मा और आंटी भाई साहब यहाँ पे बैठे हैं आराम से अपना फोटो, भाई क्या ही अच्छे लग रहे हैं। बाकी ठीक है, ये वाला रूम, आई थिंक ये वाला रूम भाई साहब खुला नहीं है, लॉक कर रखा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये वाला जो घर है ना, ये मेरा ड्रीम है गाइस, मैं सही में बता रहा हूँ, ये हमें लेना ही लेना है। और बाकी मैं तुम लोगों को पीछे भी दिखा देता हूँ, आ जाओ भाई फटाफट से भाग भाग के चलते हैं यार, क्या ही भाई टाइम वेस्ट करना। और पीछे देखो भाई, मैं और भाई मेरी वाइफ यहाँ पे भाई टेनिस खेला करेंगे, या भाई अपने कोई और दोस्त वोस्त बुला के, घर में स्विमिंग पूल है भाई, क्या घर बना रखा है अम्मा और आंटी ने, क्या अम्मा और अंकल ने क्या घर बना रखा है भाई, सही में बता रहा हूँ यार। चलो ठीक है, यहाँ से रास्ता किधर जाता है, ये तो भाई जाता है टेनिस कोर्ट की तरफ, ठीक है। और ये वाला रास्ता आई थिंक बाहर जा रहा है भाई, ये घर बहुत बड़ा यार। डगन भैया, ये मेरा ड्रीम है यार, मेरा ड्रीम पूरा करवा देना भाई, मैं बता रहा हूँ भाई मुझे ये ड्रीम को पूरा करना है किसी भी हालत में। बाकी ठीक है यार, ये सामने भाई अम्मा और अंकल खड़े हैं, तो इनसे बात करके इनकी इजाज़त लेके यहाँ से निकलते हैं फिर, ठीक है। अम्मा और अंकल हम चलते हैं, एंड बहुत जल्दी मेरे ये बॉस जो हैं वो मुझे घर दिला के देंगे। चलो यार ठीक है गाइज, अभी फटाफट से चलते हैं, बहुत बस ये टाइम बहुत जल्दी आने वाला है गाइज, इस पर अभी वेट बस टाइम नहीं लगेगा। अब चलते हैं भाई पहले तो डगन भैया के घर पे, एंड वहाँ से भाई इनको स्टैचू वगैरह देके इनसे भाई अपनी खुद की गाड़ी, मतलब गाड़ी कह रहा हूँ, मेरा साइकिल इनके पास खड़ा है, मेरी एक बाइक इनके पास खड़ी, क्योंकि इन्होंने लास्ट टाइम मुझे बाइक दिलाई थी, ठीक है। वो बाइक को लेके हम चलते हैं, मैं चलाता हूँ गाड़ी, तो मुझे चलाने का अलग ही लेवल का मजा आ रहा है। बैठो डगन भैया। चलो यार गाइज, ठीक है, डगन भैया अपना गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं, एंड फटाफट से चलते हैं भाई डगन भैया घर पे। गाइस डगन भैया की सिक्योरिटी ने जो काम करा ना आज, सही में मजा ही आ गया। बाकी यार डगन भैया ने ना लास्ट टाइम गाइस हमें ना एक बाइक दिला के दी थी, ताकि मतलब इनके पास ना आना जाना आसान हो जाए। मैं साइकिल पे आ रहा था तो डगन भैया को मेरा थोड़ा सा मेरे पे तरस आ गया, तो भाई डगन भैया बोले कोई बात नहीं यार, तुम्हें मैं एक बाइक दिला के देता हूँ। भाई लास्ट टाइम ना गाइस हमने एक बाइक ली है, जो कि अभी खड़ी है भाई डगन भैया के घर पे। तो चलो यार ठीक है भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, फटाफट से चलते हैं अपनी गाड़ी भगा के जल्दी से डगन बॉस के घर के लिए। ओके गाइस, हम जो है ना भाई गाड़ी को भगाते भगाते फाइनली गाइस पहुंचने वाले हैं डगन बॉस के घर पे। बाकी यार आज तो भाई डगन बॉस जो आपने भाई करा है ना, सही में एहसान ही रहेगा भाई मेरे ऊपर। बाकी यार ये रही भाई डगन बॉस की वही सिक्योरिटी जिसने हमें पुलिस से बचाया। मुझे लग रहा है भाई अभी इनकी पूरी सिक्योरिटी वापस आई नहीं है यार, अभी तो लड़ाई चल रही होगी, बहुत ही कम लोग हैं भाई, नहीं तो अभी भरे रहते हैं। हाँ भाई 4-5-10-15 ही बंदे हैं यार, कुछ ज़्यादा नहीं है। चलो ठीक है भाई, फाइनली हम आ चुके हैं। अपना बाइक कहाँ खड़ा है यार, मुझे लग रहा उधर खड़ा होगा। आ जाओ भाई डगन भैया। बाकी यार भाई, अबे यार ड्राइवर कहाँ है भाई, ड्राइवर बीच में ही बैठे रहे ना, ठीक है हम अभी आते हैं। रुको मैं पहले ना अपना बैग निकालूं पीछे से। ओके गाइस, मैंने ना भाई ये ब्रीफकेस निकाल लिया है। आ जाओ भाई डगन भैया, आपको ये ब्रीफकेस दे देता हूँ विद स्टैचू, जो भी आपका स्टैचू है, ठीक है। तो वो उसके बाद आप देख लो ना, फिर देख लेना भाई मुझे क्या पैसे दोगे आप। भाई बहुत पैसा मिलने वाला है यार, इन्होंने पहले ही बोला था कि भाई $1,000,000 तो भाई तुम दोनों का पक्का है। तो $1,000,000 मिल गया ना गाइस, अपने सारे रोने धोने खत्म हो जाएंगे। चलो ठीक है भाई, कहाँ बैठना है सर, मुझे ये बताओ भैया कहाँ बैठना है। डगन भैया ऊपर बैठना है क्या, चलो ऊपर चलते हैं, डगन भैया खुद के रूम में चलते हैं। एंड भाई तुम्हें दिखाता हूँ डगन भैया को खुद का रूम, क्या मस्त बना रखा है बंदे ने भाई साहब, ट्रांसपेरेंट करके भाई साहब कोई भी देख लेगा। बाकी ठीक है, ओके चलो अभी हम आ चुके अंदर, एंड चलाओ भाई एसी टीवी वगैरह सब चला लो यार। ओके गाइस, हमने जो है ना भाई ये गोल्ड का स्टैचू लाके भाई डगन बॉस को दे दिया है, और अपना काम भाई पूरा फुल टर्न हो चुका है। चलो ठीक डगन भैया, अभी निकालो भाई पैसा। अबे वेट गाइस, भाई हम गरीबों के साथ हमेशा ऐसे ही क्यों होता है यार। भाई बंदा बोल रहा है तुम तो बहुत गंदे फंस गए थे, मैंने तुम्हें बचाया, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने तुम्हें बचाया, अगर मैं तुम्हें ना बचाता तो पुलिस अभी तक तुम्हें मार देती। हाँ कहीं ना कहीं भाई इसकी बात ये भी सही है, और ये कह रहा है ना भाई अगर तुम अपनी हिम्मत से बच के आए होते ना तो मैं पैसे देता। अब मैंने तुम्हें बचाया, मेरी सिक्योरिटी ने तुम्हें बचाया पुलिस से, तो भाई कोई पैसा तुम्हारा बनता नहीं है, तो अगले काम में आना। अब देख रहे हो गाइस, हम गरीबों के साथ हमेशा ऐसे ही होता है भाई। मैंने कितने
सपने कितने ख्वाब देखे थे कि भैया ये हो जाएगा वो हो जाएगा घर लेंगे। अभी तुम्हें मैं अपना ड्रीम हाउस भी दिखा के आया था कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, बट क्या करें भाई अपनी ज़िंदगी में ही नहीं है ना भाई, क्या करें यार। हम गरीबों के साथ हमेशा ऐसे ही होता है, गरीब है ना भाई हम। अभी माइकल अपना गरीब है तो क्या कर सकते हैं भाई, गरीबों के साथ हमेशा ऐसे ही तो होता है यार। अभी गाइस बंदा कह रहा है ना भाई अभी अगले काम पे आना, बताओ भाई सब बड़ा गुस्सा आ रहा है यार मुझे। हाँ मैं इतना मैं उसकी यार इस चीज़ की ना मैं उसकी प्रशंसा भी करता हूँ भाई, हाँ मुझे आके बचाया उसने और उसकी सिक्योरिटी ने। पर ये बात नहीं होती कि भाई तुम भाई एक सिर्फ बचाने के चक्कर में जितना किया करा है उस सबको पानी फेर दो यार, बताओ। देखा गाइस ये होता है भाई हम गरीबों के साथ। और मेरा बाइक भी बैंड किया पूरा जंगलों में फेंक रखा था साले डगन बॉस, जो आज तूने करा ना भाई बिल्कुल भी सही नहीं करा भाई। यार ड्राइवर यार कुछ पैसे नहीं मिले भाई ड्राइवर, भाई मैं कह रहा हूँ भाई एक रुपया नहीं दिया भाई डगन बॉस ने। अब मैं बता भाई क्या करता, ये कह रहा भाई तेरी गलती है। अबे डगन ने आके बचाया भी तो है ना हमें, मेरी क्या गलती है। बैठ बैठ किया अभी सुना मत यार, बैठ ना सुना ही जा रहा है बिठा के भैंस की डगन। मेरे को ये बता मेरी क्या गलती है भाई, वो उसने आके हमें बचाया भी तो है ना, ये भी तो बात देखना। अभी हम गरीब है तो भाई क्या करें, हम गरीबों की यही होती है, बैठ के भी सुना ही जा रहा है। बताओ यार भाई हम गरीबों के साथ होता ही ऐसे, मैं क्या कर सकता हूँ बता, मेरी क्या गलती है भाई, मैंने अपने सब कुछ दिया भाई। एट द एंड हम ना फंसते तो भाई मुझे लग रहा है पैसे दे देता, अब हम फंस ही गए तो हम क्या कर सकते हैं। तो चलो यार अभी रोने देने से गाइस देखो कोई फायदा नहीं है, अभी कोई ना ड्राइवर अपना काम करेंगे और इससे बैठ के आगे इस डगन बॉस से ना अपना भाई सब बदला तो लेंगे ही लेंगे, जो हमने काम करा उसका पैसा नहीं दिया। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से चलते हैं पहले तो भाई अपने खुद के घर के लिए। देखो गाइस यार हम जो है ना भाई आ चुके हैं फाइनली अपने घर पे, और भाई यहाँ पे मिलेंगे अपने फ्रैंकलिन भैया, तो मैं उनसे भी मिलवा ही देता हूँ भाई, बहुत टाइम से मिले नहीं है तो उनके भी हालचाल पूछ लेते हैं अपने गैंगस्टर भैया के। चलो ठीक है भाई अपना पहले सस्ता सा अपना बाइक लेके फटाफट से चलते हैं भाई पहले तो अपने खुद के घर पे, यहाँ पे लगा देते हैं अपना सस्ता सा बाइक। और मैं गाइस आप लोगों को थोड़ा एक और चीज़ याद दिला देता हूँ भाई, ये है भाई अपना वो एक स्टोर रूम जहाँ पे भाई मैं अपने लिए खुद की एक गाड़ी डिज़ाइन कर रहा हूँ बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे खुद की गाड़ी बनानी है भाई। चल ठीक है भाई स्मेल इतनी आ रही है क्या साले, बेहोशी हो गया भाई साहब। ठीक है यार कोई ना भाई, ड्राइवर हैंड की आँख तेरी ज़्यादा ही चौड़ा हो रहा है। बाकी तुम लोगों ना गाइस मैं मिलवा देता हूँ अपने गैंगस्टर भैया से, ठीक है। ये अपने भाई एरिया के गैंगस्टर, ये अपने एरिया के गैंगस्टर, इनसे ना भाई पूरा एरिया डर के रहता है। ये भाई जो छोटे मोटे गैंगस्टर टाइप के बंदे हैं ना, ये जो डॉन वॉन बने फिर रहे सामने, ये सब डर के रहते हैं अपने गैंगस्टर भैया से। और गैंगस्टर भैया क्या हाल चाल है गाइस, मैं तुम लोगों ने भाई एक चीज़ बता देता हूँ, हम सबका ना एक एक सपना है, ठीक है भाई। देखो ट्रेवर को अपना खुद का घर लेना है, मेरे को अपना खुद का घर लेना है, और फ्रैंकलिन भैया को अपना खुद का घर लेना है। तो भाई आज ना हम सब ना आपस में ये बात कर रहे हैं, क्यों ना भाई अपने सबके सपने के सपनों के घर देख के आए। तो फ्रैंकलिन भैया एंड एक काम करते हैं, एक सेकेंड, अबे बंदा चौड़ा हो रहा है भाई, अबे ये देखो भाई बंदा चौड़ा हो रहा है, ट्रेवर बंदा चौड़ा हो रहा है भाई, मारियो साले के मुंह पे भाई, एक मिनट बंदा चौड़ा हो रहा है, तेरी बहन की आंख साला चौड़ा हो रहा है भाई, मैंने इसको कुछ बोला भी नहीं बे भाई, ये क्या हो रहा है इधर। ड्राइवर भैया ने ना भाई मार मार के बंदों की हालत यहाँ पे टाइट कर दी है, बट भाई गैंगस्टर भैया ने ना भाई, मैंने गैंगस्टर भैया को खुद ही मना कर दिया भाई तुम मत आना, बैंड गैंग सीधा गोली निकाल के फायर ही कर दो। अभी ना गाइस मैं तुम लोगों ने भाई चीज दिखा देता हूँ, जैसे भाई हम सबके क्या क्या सपनों के घर है, ठीक है। तो एक काम करते हैं गैंगस्टर भैया तुम मेरे साथ चलो, और ड्राइवर भैया तुम ना लमार को ले लो अपने साथ में। अभी ना यहाँ पे भाई सीन ऐसे हो चुका है कि भाई अभी ना गैंगस्टर भैया बोल रहे हैं भाई चलो हम सबके ना एक ड्रीम हाउस सबके देख के आते हैं, ठीक है। तो भाई देखो सबसे पहले हम ड्रीम हाउस देखने चलते हैं अपने ड्राइवर भैया का, जो ड्राइवर भैया ने अपने लिए अपना खुद का ड्रीम हाउस सोचा है। चलो ठीक है भाई आ जाओ यार अभी ना गाइस, मैं और गैंगस्टर भैया इधर पीछे ना भाई अपना ड्राइवर भैया एंड लमार भैया सब आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले ना हम सबके ना भाई एक ड्रीम हाउस देख के आते हैं, तुम लोगों को तभी तो पता चलेगा आखिरकार आने वाले टाइम में हम करने क्या वाले हैं, अभी अपने बहुत दोस्त दुश्मन बहुत कुछ बनने वाला है भाई। अभी आज की डेट में तो गाइस अपना कोई ना ही दुश्मन है ना कोई अच्छा दोस्त है, हाँ ये दोस्त अपने हैं ही भाई दो तीन, बाकी और तो इसके अलावा कोई है भी नहीं, बाकी सब धोखे देके चले जाते हैं, गरीब है ना भाई इसीलिए। अब देखो गैंगस्टर भैया है इनके पास भाई साहब क्या गाड़ी है क्या है, ठीक है। वो पीछे भाई ड्राइवर भैया अपने गाड़ी लेके आ रहे हैं, वो देखो भाई वो है भाई वूडो गाड़ी है भाई, एंड ये है भाई लैम्बोर्गिनी सेंटोरिनो, भाई साहब क्या क्या मस्त मस्त गाड़ियां यार इनके पास। चलो यार ठीक है भाई बकबक बंद करते हैं फटाफट से चलते हैं पहले तो ड्राइवर भैया का सबसे तगड़ा ड्रीम हाउस देखने के लिए।
यार गाइस चलो ठीक है भाई, हम पहुंच चुके हैं सबसे पहले ट्रेवर के ड्रीम हाउस के लिए। मेरा ड्रीम हाउस तो आप लोगों ने देख लिया, ट्रेवर ने भाई साहब कितना गंदा ड्रीम हाउस चूज करा है। ये भाई साहब अपने डांस क्लब में रहा करेंगे। यार गाइस चलो ठीक है भाई, आ जा भाई ट्रेवर भैया तुम्हारा ड्रीम हाउस देख के आते हैं। ट्रेवर भैया खुश देखो भाई कितने हो रहे हैं, क्या डांस क्लब के अंदर कौन घर खरीदता है भाई, डांस क्लब के अंदर घर खरीद रहे हैं। और चलो ठीक है भाई, अभी के लिए हम घर के अंदर आ तो चुके हैं। बहन की अंग भाई कितने लोग हैं यहाँ पे, भाई साहब यहाँ पे अपना मजे मार रहे हैं, दारू वारू पी रहे हैं। बाकी ठीक है ट्रेवर भैया, कहाँ जाना है तुम्हें? ये कह रहा है ट्रेवर भैया, कह रहा है इधर लूंगा मैं घर। अरे भाई ये क्या बंदा है भाई, किधर जा रहा है ये लेके हमें? ओके ट्रेवर भैया कहाँ, ये एक मिनट, यहाँ पे तो भाई लोग तैयार व्यार होते हैं, तुम्हारा घर किधर है पहले तो तुम मुझे ये बताओ। भाई कितना आरामी है भाई ये ट्रेवर, घर किधर ले, मुझे लग रहा है ये वाला घर लेगा है ना ट्रेवर, यही घर है ना तेरा? ओके गाइस ये कह रहा बस मुझे बस यही घर खरीदना है और मेरा कोई सपना नहीं है। फैन की आग भाई कितना हरामी है ये बंदा, भाई साहब बंदा बहुत ज्यादा हरामी है सही में यार। बताओ भाई साहब डांस क्लब के अंदर घर कौन खरीदता है भैंस की टंग। अबे चलो ठीक है भाई, ड्राइवर भैया बोल रहे हैं कि भाई देखो इसके ना दो फायदे हैं, यहाँ से भी मैं बाहर जा सकता हूँ, ठीक है ये तो मेरा खुद का घर हो गया ठीक है, और भाई साहब मैं अपना अंदर से घूम के भी जा सकता हूँ। बताओ भाई साहब, और भाई साहब मैं अंदर से घूम के भी जा सकता हूँ, और ये कह रहा है भाई मुझे यहाँ पे कोई रोकेगा भी नहीं क्योंकि भाई मेरा खुद का घर जो ठहरा ये। बताओ भाई साहब बंदे ने क्या ड्रीम चूज करा है भाई, लिटरली ये सिर्फ ट्रेवर भैया ही कर सकते हैं अपने। बाकी भाई ट्रेवर भैया का जब मन होगा यहाँ पे अपना दारू पियेंगे, रहेंगे मजे करेंगे। बाकी चलो अपना भाई फ्रैंकलिन भैया का देखने, गैंगस्टर भैया का घर देखने चलते हैं, इनका ड्रीम हाउस कौन सा है भाई साहब, मजा ही आ जाएगा। चलो यार ठीक है भाई, अभी हम फटाफट से अपना आ तो चुके हैं, फटाफट से बैठते हैं भाई। एक काम कर यार ट्रेवर भैया, तुम ना यार एक काम करो अभी ना तुम लैम्बो चलाओ, मैं चलाता हूँ वूडो को। चलो भाई आ जाओ यार ट्रेवर भैया, गैंगस्टर किधर का गैंगस्टर भैया? अरे यार फ्रैंकलिन भैया कहाँ चले गए अपने गैंगस्टर भैया? ओके भाई बंदा, भाई इसको भी मजा आ गया क्या इधर ही घर लेने का? बताओ भाई साहब, चलो ठीक है भाई बैठो, अभी देखने जा रहे हैं गाइस हम फ्रैंकलिन भैया का ड्रीम हाउस। भाई साहब एक बार ये भी देख लेते हैं एंड देन उसके बाद देखते हैं भाई अपनी क्या करना है क्या नहीं। और जो हमने ब्रेड को बिठा रखा है ना गाइस, देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, जो ब्रेड है ना वो भाई लॉस सैंटोस का नहीं है, वो नॉर्थ यंगटन का है ठीक है। तो पता नहीं भाई ट्रेवर को क्या उसके ऊपर दिल आया क्या नहीं, भाई उसको अपना खुद का दोस्त ही बना के बैठ गया और ऐसा भाईचारा निभा रहा है उसके साथ कि भाई घर पर ही बिठा लिया। भाई बंदा इतना बड़ा क्रिमिनल है, वहाँ से भागा हुआ है नॉर्थ लंडन से, फिर भी भाई इसको घर पे जगह दे रखी है। तो चलो यार ठीक है भाई, बकबक बंद करते हैं, फटाफट से चलते हैं भाई फ्रैंकलिन का ड्रीम हाउस देखने के लिए। ओके गाइस हम जो है ना भाई गाड़ियों को भगाते भगाते पहुंच चुके हैं भाई अपने गैंगस्टर भैया जाने के फ्रैंकलिन भैया के ड्रीम हाउस को देखने के लिए। ये भाई फ्रैंकलिन भैया का अपने, यार सॉरी भाई गाड़ी ठोक दी क्या भाई सब, गाड़ी तो इतनी बड़ी है ना भाई संभालने में मुश्किल हो रही है। ये है भाई अपने गैंगस्टर भैया बोल रहे हैं ये रहेगा उनका गैराज। बाकी ठीक है भाई, इनका भी एक बार घर देख के आ जाते हैं। अबे पागल हो गया क्या भाई, ढंग से गाड़ी चला ले बता भाई साहब, इतनी महंगी गाड़ी दे दी तो बंदे से चल ही नहीं रही है। चलो 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 भाई आ जाओ यार, अभी अपने गैंगस्टर भैया का अभी ड्रीम हाउस देख लेते हैं। ये अपने गैंगस्टर भैया का ड्रीम हाउस, भाई साहब क्या घर ले रखा है बंदे ने, मतलब क्या घर लेगा बंदा भाई तुम खुद सोचो। और वो देखो भाई साहब यहाँ पे सोफा वोफा टीवी वगैरह सब लगा हुआ है भाई, घर तो एक नंबर है यार गाइस, वैसे मानने वाली बात है। और गैंगस्टर भैया और नीचे भी देख के आ जाते हैं एक बार भाई, नीचे स्विमिंग पूल देखो भाई, जो मुझे अभी देख के बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। पहले देख के आते हैं ये वाला फर्स्ट रूम कौन सा है, पहले तो ना मैं सारे रूम एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके ये वाला रूम रहेगा अपना बाथरूम। चलो ठीक है भाई, अभी के लिए अपन देख के आते हैं भाई अपना दूसरा रूम, ये रहेगा आई थिंक बेडरूम। और बेडरूम से उठते ही बंदा सीधा जाएगा भाई साहब यहाँ पे नहाने, ये भाई साहब अंदर मारी डुबकी, क्या घर ले रहा है भाई बंदा खुद सोचो भाई, क्या ही बढ़िया घर ले रहा है। चलो ठीक है भाई, अभी हम सब नहा धो लिए हैं एंड सब बढ़िया हो गया भाई ठीक है। भाई भाई सारे ही वहाँ पे भाई छलांग मारने लगे पड़े हैं। ओके गाइस बाकी के जो दो रूम है ना भाई उनको भी फटाफट से देख लेते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एंड ये वाला रूम कौन सा है, ये रहेगा भाई अपना प्ले एरिया जहाँ पे हम गेम्स वेम्स खेल पाएंगे, पर यार अभी के लिए तो गाइस देखो पॉसिबल नहीं है एंड अभी तो भाई बहुत ज़्यादा पैसा लगने वाला है इसमें सही में यार, क्योंकि यार तुम लोग खुद सोचो भाई अभी इतना बड़ा घर। और ये घर कितने का है गैंगस्टर भैया? बैंड की आग, मेरा $40 million का घर था, ये है भाई $70 million। मैं बता रहा हूँ गाइस आज के $70 million देख रहे हो ना भाई, भाई तुम आज के $70 million को अगर कैलकुलेट करके देखो ना भाई पूरे $800 million बन रहे हैं, $700 से $800 million का घर है भाई।
फैंड की आंख भाई, ये तो 1 बिलियन डॉलर जल्दी ही टच कर जाएगा, ये घर भी तो इतना बड़ा है। चलो यार गाइस ठीक है यार, अभी अपने गैंगस्टर भैया जाके बैठ चुके हैं, फटाफट से चलते हैं भाई सब घर पे और आगे का देखते हैं भाई क्या क्या करना है। चलो ठीक है भाई आ गए हम पीछे, एंड आ जाओ भाई ट्रेवर। चलो यार ठीक है भाई अभी सब कुछ डन है, आ जाओ भाई गैंगस्टर, अबे सॉरी गैंगस्टर भैया बोल रहा हूँ, ट्रेवर भैया आ जाओ यार, कितना टाइम लगाओगे। चलो ठीक है भाई, क्यों गाड़ी निकाली है बंदे ने। चलो यार ठीक है भाई, बिना बकबक करे अभी फटाफट से गाइस गाड़ी लेके पहले आ जाए यार, ये बंदा बहुत धीरे गाड़ी चला रहा है। अबे भाई लैम्बो देके भी बंदे से गाड़ी नहीं भाग रही, बताओ भैंस की दंग। चलो गाइस ठीक है फटाफट से चलते हैं पहले खुद के घर के लिए। ओके गाइस हम जो है ना भाई गाड़ियां लेके फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं अपने अपने खुद के घर पे, बाकी हमने सबके ड्रीम हाउस देख लिया। अभी जो भाई अपने साथ वाला जो दूसरा बंदा है ना, वो तो भाई हमेशा अपना गैंगस्टर भैया के साथ ही रहेगा। चलो ठीक है भाई गैंगस्टर भैया हम चलते हैं, आ जा भाई ड्राइवर भैया, अब ना इन दोनों को बैठे रहने दो यहाँ पे, इनकी गाड़ियाँ इनके भाई मजे हैं, हम तो भाई सब गरीब आदमी क्या ही करें भाई सब, एक छोटा सा अपने पास बाइक है और क्या ही कर सकते हैं। बाकी गाइस अभी बहुत जल्दी यार सब कुछ आएगा, बहुत जल्दी आएगा भाई, टेंशन मतलब अपना माइकल भी अमीर बनेगा। चलो यार ठीक है भाई अभी फाइनली हम घर पे पहुंच चुके हैं, बट एक सेकंड, अबे वेट भाई एक सेकंड, ब्रेड कहाँ है, एक मिनट ट्रेवर ब्रेड कहाँ है, अबे ट्रेवर ब्रेड को ढूंढ भाई, ब्रेड ही नहीं है भाई, भाई एक सेकंड ये ब्रेड कहाँ चला गया भाई, वैसे इसके पीछे पुलिस लगी हुई थी, कहीं इसको पुलिस तो नहीं ले गई भाई फिर से उठा के, अबे भाई सब ब्रेड ही नहीं है, और इसने तो भाई रोना तो नहीं शुरू कर दिया, अबे यार तू 2 मिनट रुकना भाई, पहले ढूंढने तो दे यार, अभी रोना तो शुरू कर दिया भाई, एक तो ना मुझे ड्राइवर का बहुत गुस्सा आता है, फैन की आग भाई पूरे घर पे ब्रेड नहीं है यार, सही में यार आखिर का अपना ब्रेड कहाँ चला गया, ना इधर है यार। गाइस 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 मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा भाई आखिर का ब्रेड गया तो गया कहाँ है भाई, और इसने रोना धोना ही शुरू कर दिया कि मुझे नहीं पता मुझे ब्रेड चाहिए नहीं तो भाई मैं खाना नहीं खाऊंगा, अबे यार एक तो भाई इसकी बकचोदी अलग है यार, अब उसको पुलिस उठा के ले गई हो तो मैं क्या कर लूंगा भाई, अबे यार मुझे यार भाई कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई क्या करूं मैं। चल भाई ट्रेवर आ यार, थोड़ा ना घर के बाहर ना एक दो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो क्यों ना भाई उन सीसीटीवी कैमरे पे चेक कर लेते हैं, तभी हमें अच्छी मतलब पता चल जाएगा, क्या पता वहीं पे होगा कहीं यार, सीसीटीवी कैमरे पे पता चल तो सकता है ना। चल आ जा भाई, एक काम करते हैं यहाँ पे ना गाइस किसी बंदे के आसपास ना भाई कैमरे लगे हुए हैं, ये देखो भाई यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, तो इसका पहले हमें ना ऑनर ढूंढना पड़ेगा जो कि भाई हमें मतलब कैमरे पे फुटेज दिखा दे। अरे भैया एक बात बताना, ये दुकान का ऑनर कौन है। ओके गाइस बंदा कह रहा है ना भाई ओनर जो है वो पीछे खड़ा है, ओनर पीछे क्या कर रहा है यार, चलो ना भाई फटाफट से चलते हैं यार। गाइस इसके ओनर को पूछना पड़ेगा भाई, वो सीसीटीवी फुटेज हमें दिखा दे एंड देन हमें पता चल जाएगा आखिरकार ब्रेड है तो है कहाँ। बाकी ठीक है ओनर साहब ये रहे, अरे ओनर भैया भाई आपके ना जो दुकान के बाहर कैमरे लगे हुए हैं ना भैया, मुझे ना उसकी फुटेज चाहिए एंड हमारा ना एक फ्रेंड गुम गया है प्लीज। भाई मना कर रहा है बंदा, कह रहा है नहीं देंगे भाई हम नहीं दिखाने वाले अपनी सीसीटीवी फुटेज। भाई ये देखो बंदे ने ना साफ साफ यहाँ पे लिखवा भी रखा है, मतलब कैमरे वैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे, सिक्योरिटी कैमरा आर ऑपरेटिंग इन दिस एरिया। ओए भाई ट्रेवर क्या कर रहा है भाई। गाइस यहाँ पे ना भाई साहब वो ओनर जो है ना उसकी फाइट हो चुकी है अपने ट्रेवर भैया के साथ, भाई साहब वो बंदा ना बिल्कुल भी सीसीटीवी फुटेज दिखाने को रेडी नहीं है, और ड्राइवर ना भाई पूरा गुस्से में है, बल्ला लाके भाई साहब उसको मारना ही शुरू कर रखा है बंदे ने, अबे उसको खड़ा तो होने दे भाई। चलो ठीक है गाइस वो खड़ा तो हो चुका है, भाई देखो वो मारने के लिए आ रहा है ड्राइवर भैया, भाई ड्राइवर भैया के बजाई उसने सर पे, और ड्राइवर भैया ने पैन किया भाई, ये क्या है ड्राइवर भैया के हाथ में भाई हथौड़ा ही मार दिया उसके मुंह पे, अबे भाई बंदे अबे ओ मेरी बात सुन भाई, दिखा दे मैं बता रहा हूँ भाई कैमरे की फुटेज दिखा दे वरना ये तेरे को मार देगा, बता रहा हूँ भाई बंदा गाइस बंदा दिखाने को रेडी नहीं है, और ड्राइवर भैया को और गुस्सा आ रहा है कि बंदा ना भाई सब सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा होना, हमारा फ्रेंड भाई उसका आता पता नहीं, अबे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन तेरी बहन की आंख साले, हमारा इधर बंदा गायब है, तू तू भाई एक फुटेज दिखाने में क्या प्रॉब्लम है तेरे को, बहन की आंख तेरी बताई बताइए जरा तेरे को फुटेज दिखाने में क्या प्रॉब्लम, क्या बजी है भाई बंदे के। गाइस 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 इसकी भैया हमने मार मार के कर दिया हालत पूरी फुल टाइट, अब बता रहा है भाई ये कह रहा है कि हाँ मैं भाई कैमरा दिखाने के तैयार हूँ, भैन की आंख तेरी अब दिखाने को तैयार है साले, पहले दिखा देता भैंस की टांग, भाई सब ड्रामे कर रहा है। चलो गाइस ठीक है यार अभी ना भाई ये कैमरा दिखाने के लिए तैयार है, फटाफट से देखते हैं भाई पहले तो सीसीटीवी फुटेज में। ओके गाइस सीसीटीवी कैमरे के पहले कैमरे के अंदर आ चुका हूं भाई, और इधर से ना गाइस देखो अपने गैंगस्टर भैया जाने के फ्रैंकलिन का घर दिख रहा है, और साइड पे
ओके, सुबह के 10 बजे ये बंदा बाहर क्या लेने निकला है? भाई ये बाहर तो निकला है, पर चलो ठीक है भाई, सामने सामने जा रहा है। ठीक है गाइस, ये जा किधर रहा है यार? मतलब हम तो सिर्फ अपने पड़ोसियों को जानते हैं, उनको तो भाई उनके पास तो ये जा नहीं रहा यार। गाइस ये जाना किधर चाहता है? कहीं खुद ही तो नहीं घर वर छोड़ के चला गया? बाकी ठीक है यार, अभी तो गाइस देखो ये कैमरे की लिमिट तो खत्म हो गई, आगे निकल गया, दूसरे कैमरे पे स्विच होते हैं यार। गाइस ठीक है, बाकी भाई हम आ चुके हैं दूसरे कैमरे पे। ओके ये भाई यहाँ पे आ रहा है, ऑल डन गाइस। वैसे तो अभी तक तो भाई देखो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है, बिल्कुल सही जा रहा है बंदा। ओके चलो ठीक है, वैसे ना गाइस कुछ भी नहीं हुआ। एक गाड़ी रुकी है भाई, एक मिनट, एक गाड़ी रुकी है और दो बंदे उसके पास। एक मिनट, उसको उठाया, वेट, गाड़ी खोली और पीछे लेके अरे भाग ही गया। अबे ये क्या था यार? मतलब एक गाड़ी आई, उसको उठाया, गाड़ी में भर के ही ले गए। गाइस 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 यहाँ पे हो चुकी है बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अभी आप लोगों ने देख ही लिया, कुछ गैंग के बंदे आए, उन्होंने भाई वैन के अंदर भाई ब्रेड को धरा एंड उसको भाई साहब उठा के ही ले गए। अब पता नहीं भाई साहब उसको कहाँ उठा के लेके गए हैं। तो गाइस अगर आप लोगों को जल्दी वीडियो चाहिए ना भाई, फटाफट से 8000 लाइक्स करवा दो। 8000 लाइक्स होते ही भाई वीडियो बहुत ज्यादा जल्दी आ जाएगी भाई, फटाफट से जाके 8000 लाइक्स जल्दी से कंप्लीट करवा दो। तो चलो यार गाइस करते इस वीडियो का एंड। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करके बता देना, वीडियो में कमेंट कर देना, वीडियो को दबाकर शेयर भी कर देना। मेरे से बात करने के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, डिस्कॉर्ड एंड इंस्टा दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं गाइस ऐसी तगड़ी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।